नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे 28 और 29 अक्टूबर 2023 को लगने वाले चंद्रग्रहण के बारे में। देखो, ये ग्रहण जो है भारत में दिखाई देगा और इसका सूतक काल भी मान्य होगा। अब इस ग्रहण में गर्भवती महिला को क्या करना है, क्या नहीं करना है, टाइमिंग क्या रहेगी, कहाँ कहाँ दिखाई देगा और आप ग्रहण के प्रभाव से बचने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं, सारी बातें जानेंगे। तो पूरा वीडियो देखिएगा, बाकी चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे सूतक काल के बारे में। देखो जी, सूतक काल का मतलब होता है अशुभ समय, खराब समय। इस समय कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है, कोई भी नया काम नहीं किया जाता है। बहुत सारे लोग तो सूतक काल में खाना पीना भी नहीं बनाते हैं और कुछ लोग खाते भी नहीं हैं। अब आपके यहाँ पे क्या नियम है आप देख लीजिएगा। अगर आपके यहाँ पे ये नियम है कि सूतक काल में खाना नहीं बनेगा, नहीं खाना है, तो फिर सूतक काल से पहले खाना बना के तुलसी के पत्ते रख दीजिएगा, ताकि ग्रहण के दौरान और सूतक काल के दौरान आप खा सकें। वैसे देखो, चंद्र ग्रहण रात में 1 बजकर कुछ मिनट पे है। मैं आपको बताऊंगी कितने बजे से है अभी। तो इस टाइम तक कोई खाना नहीं खाता है, यानी कि आप चाहें तो दोपहर में खाना बना के रात में खा सकती हैं तुलसी के पत्ता रख के। क्योंकि वैसे तो ग्रहण में खाना नहीं चाहिए, लेकिन क्या है कि अगर कोई गर्भवती महिला है, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, कोई बीमार व्यक्ति है, तो वो ग्रहण के दौरान भी खा पी सकते हैं। लेकिन इसका नियम होता है, नियम ये होता है कि आप ग्रहण लगने से पहले ही खाने में तुलसी का पत्ता रख दीजिए, ताकि आपका खाना दूषित ना हो। और अगर सूतक काल को भी मानते हैं, तो सूतक काल लगने से पहले ही खाना बना के उसमें तुलसी का पत्ता रख दीजिए, पीने के पानी में तुलसी का पत्ता रख दीजिए, और आप आराम से ग्रहण काल के दौरान भी, सूतक काल के दौरान भी खाना खा सकती हैं, पानी पी सकती हैं। अब देखो, बहुत सारे लोग तो बहुत सारी चीज़ें मानते हैं कि जैसे ग्रहण में हमें बहुत सारे काम नहीं करने, वैसे ही हमें सूतक में नहीं करना, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको केवल सूतक में शुभ कार्य नहीं करना होता है, और इसके अलावा पूजा पाठ नहीं करना होता है, भगवान की मूर्ति को स्पर्श नहीं करना होता है, बस इतना ही करना होता है। बहुत लोग कहते हैं बाहर नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अब सूतक काल 9 घंटे पहले लग जाता है, तो लगभग आप ये मान के चलिए कि दोपहर 2 बजे के बाद से आपका सूतक काल लग जाएगा। अब ग्रहण के बारे में जान लेते हैं। तो इसका जो टाइमिंग होगा वो होगा रात में 1 बजकर 25 मिनट से, और समाप्त होगा 2 बजकर 23 मिनट पे। यानी कि काफ़ी ज़्यादा लंबा समय नहीं होगा ग्रहण का, लेकिन रात में है तो बहुत सारे लोग रात में सोते नहीं हैं ग्रहण के दौरान, तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अब देखो जी, ये कहाँ कहाँ दिखाई देगा। तो यह ग्रहण भारत में तो दिखाई देगा, संपूर्ण एशिया में दिखाई देगा, एशिया के जितने भी कंट्री है ना, सब में दिखाई देगा। इसके अलावा अमेरिका के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा, ऑस्ट्रेलिया में दिखाई देगा, अफ्रीका में भी दिखाई देगा, और आपका जो यूरोप कंट्री है वहाँ पे भी यह ग्रहण दिखाई देगा। अब हम ये जानेंगे कि ग्रहण के दौरान आपको क्या क्या सावधानी रखनी है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले जो आपको नहीं करना है वो ये कि ग्रहण के दौरान घर से बाहर नहीं जाना है। कुछ लोग सूतक में बाहर जाने के लिए मना करते हैं, लेकिन आप सूतक में बाहर जा सकते हैं। ग्रहण काल के दौरान आपको घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। वैसे भी रात में कोई नहीं निकलेगा, तो घर के अंदर रहिएगा। दूसरा आपको ये करना है कि इस समय खाना नहीं खाना होता, तो रात में 1 बजे कोई खाता नहीं है। अगर आप खाते हैं तो वही करना है कि तुलसी के पत्ते को पहले ही रख देना है पीने के पानी में और खाना में, तो आप आराम से ग्रहण के दौरान भी खा सकती हैं। तीसरा काम आपको जो नहीं करना है वो किसी भी नुकीली चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है, धारदार चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है, जैसे कि पेन, पेंसिल, नुकीली चीज़ें होती हैं ना, इसका इस्तेमाल नहीं करना। क्योंकि कहा जाता है कि अगर आप नुकीली चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो बच्चे के हृदय में छेद हो जाता है, अगर आप चाकू छुरी का इस्तेमाल करते हैं तो बच्चे का अंग कट जाता है। देखो, ये बहुत ही पुरानी मान्यताएं हैं और आजकल साइंस इन पर विश्वास नहीं करता है, लेकिन विज्ञान भी इस बात को मानता है कि ग्रहण काल के दौरान हमारा जो वातावरण है वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है। बहुत सारे जीवाणु, विषाणु, कीटाणु वातावरण में पनप जाते हैं, नेगेटिव ऊर्जाएँ वातावरण में पनप जाती हैं, तो ऐसे में बीमार होने का काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इसलिए खाने पीने के लिए इस समय मना किया जाता है, घर से बाहर जाने के लिए मना किया जाता है। और बच्चे के साथ कुछ हो जाए इसका कोई पुख्ता प्रमाण अभी तक नहीं है, लेकिन बहुत पहले से मानते हैं तो आप मान सकते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट काम आपको नहीं करना है वो ये कि समय आपको रिलेशन नहीं रखना है। कहा जाता है कि ग्रहण काल के दौरान आपको संबंध यानी कि सेक्स नहीं करना चाहिए, तो ये भी मत कीजिएगा। इसके अलावा ग्रहण काल के दौरान आपको जो है ना, किसी की बुराई नहीं करनी है, किसी को बुरा या फिर भला नहीं कहना है। बहुत सारे लोगों की आदत होती है ना कि गुस्सा कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, किसी के बारे में बुरा सोच रहे हैं, तो वो हमें ग्रहण में नहीं करना है। और इस बात का खास ध्यान रखिएगा, ग्रहण में आपको बिल्कुल भी नकारात्मक नहीं सोचना है कि पता नहीं बच्चे के साथ कुछ ना हो जाए, कहीं मुझे कुछ ना हो जाए, पता नहीं क्या होगा, ग्रहण में कोई गलती ना हो जाए। तो ये नेगेटिव सोच है आपकी, तो ये हमें नहीं रखना है। ग्रहण के दौरान अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो नकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास पनप जाएगी, जो कि आपके लिए ठीक नहीं है। तो क्या करना है, सारी बातें मैं आपको आगे बताऊंगी कि क्या उपाय कर सकती हैं।
इसके बाद देखो जो नेक्स्ट काम नहीं करना है वो ये कि आपको ग्रहण के रोशनी के संपर्क में नहीं जाना है। जैसे कि मान लीजिए कि घर में पर्दा लगा हुआ है, तो कई बार पर्दा खोल देते हैं और रोशनी अंदर आ रही है, तो वो भी आपके घर में नहीं आनी चाहिए। तो पर्दा वगैरह बंद कर दीजिए, बिल्कुल भी ग्रहण के संपर्क में नहीं आना है, उसकी रोशनी में नहीं जाना है, ना ही आपको ग्रहण को लगते हुए देखना है, टीवी में भी नहीं देखना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप टीवी नहीं देख सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग मना करते हैं कि ग्रहण में टीवी ना देखें, आंखें कमज़ोर हो जाएंगी। लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप ग्रहण को ना देखें, क्योंकि टीवी में दिखाया जाता है ना कि ग्रहण लग गया है, और वो तो वो मत देखिएगा। बाकी देखो जी, कुछ लोग रात में बहुत ज़्यादा लेट खाना खाते हैं और फिर बर्तन धोने लग जाते हैं, तो आपको इस समय ग्रहण के दौरान बर्तन भी नहीं धोना है, मतलब ये कि साफ़ सफाई का कोई भी काम नहीं करना है। इन सब के अलावा कुछ बातें और भी कही जाती हैं, जैसे कि ग्रहण काल के दौरान हमें सोना नहीं चाहिए। अब देखो जी, सुबह उठ के बहुत सारे लोगों को बहुत सारा काम रहता है, किसी को ऑफिस जाना होता है, किसी को स्कूल जाना होता है, और महिलाओं को उठ के उनके लिए खाना पीना बनाना, पूरा काम करना होता है। तो ऐसे में क्या करें, रात में सोए नहीं? तो देखो मैं आपको बता दूं, वैसे तो ग्रहण में सोना नहीं चाहिए, लेकिन गर्भवती महिला है, कोई बूढ़ा है, या फिर कोई बच्चा है, कोई बीमार व्यक्ति है, उसके लिए छूट दी गई है कि आप ग्रहण में सो सकती हैं, क्योंकि भाई आपका शरीर इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है कि आप हर चीज़ें झेल सके, इसलिए आप आराम से सो सकती हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो जी, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ग्रहण के दौरान आपको बाथरूम नहीं जाना, टॉयलेट वगैरह नहीं जाना, सूसु पोटी नहीं करना, लेकिन पुराने ज़माने में इसलिए कहा जाता होगा क्योंकि हमारा जो बाथरूम वगैरह है वो घर से बाहर होता था, लेकिन आज के समय में घर के अंदर ही है, तो इसलिए आप आराम से पोटी सूसु कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसके अलावा अगर आपका बाथरूम घर के बाहर है, तो ये कहा जाता है कि आपको क्या करना है कि अपने पूरे शरीर को ढक के अच्छे से फिर आपको बाहर निकलना चाहिए, ग्रहण का कोई भी रोशनी किरण आप पे नहीं पड़ना चाहिए, यानी पूरा शरीर ढका हुआ होना चाहिए, उसके बाद आप आराम से बाहर जा सकती हैं। अब हम ये जान लेते हैं कि ग्रहण में आपको क्या करना चाहिए जिससे कि ग्रहण का प्रभाव आप पे ना पड़े। तो सबसे पहला ये है कि ग्रहण काल के दौरान आपको पॉजिटिव रहना है, सकारात्मक सोचना है। जितना ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे उतनी ज़्यादा ही पॉजिटिव एनर्जी आपके आसपास बनेगी, और आप के बच्चे की सुरक्षा होगी, साथ ही साथ आपका भी माइंड अच्छा रहेगा। दूसरा ये कि मंत्रों का जाप कीजिए। इस समय पूजा पाठ नहीं करना होता, लेकिन मंत्रों का जाप करना होता है, इससे आपके आसपास पॉजिटिव एनर्जी बनती है और आपके अंदर शक्ति आती है। तो आप अपने इष्ट देव को याद कीजिए, साथ ही साथ मंत्रों का जाप कीजिए। मंत्र नहीं आते हैं तो मोबाइल पर सुन सकती हैं। इसके अलावा क्या करना है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि कच्चा नारियल होता है ना, वो आप अपने पास रख सकती हैं, वो काफ़ी पवित्र माना जाता है, तो इससे ग्रहण का प्रभाव आप पे नहीं पड़ता। और कुछ लोग ग्रहण के प्रभाव से बचने के लिए क्या करते हैं, अपने पेट पे गेरू लेप लेते हैं। गेरू काफ़ी पवित्र माना जाता है और इससे बिल्कुल भी आपके बच्चे पे ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ता। इसके अलावा कुछ लोग घर के बाहर दरवाजे पे भी गेरू लेप देते हैं। गेरू क्या होता है, जब देवोत्थान होता है ना, उसमें हम चित्र वगैरह बनाते हैं, तो उसको ही गेरू कहा जाता है। काफ़ी पवित्र होता है, हर जगह मिल जाएगा आपको, नहीं तो ऑनलाइन मिल जाएगा, मंगवा सकती हैं। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि ग्रहण लगने से पहले अगर आप अपने पूरे शरीर के नाप का धागा नाप लेते हैं, सर से लेकर पैर तक कोई धागा नाप लेते हैं और उसको कहीं टांग देते हैं और ग्रहण के बाद फेंक देते हैं, तो उससे भी ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ता। तो आप ये चीज़ें अपना सकती हैं। तो यह बात हो गई कि आपको ग्रहण के दौरान क्या करना है। अब हम ये जानेंगे कि ग्रहण समाप्त होने के बाद आपको क्या करना है। अगर आप रात में सो गए हैं तो कोई बात नहीं, सुबह उठ के आप कीजिएगा, लेकिन नहीं सोए हैं, जगे हुए हैं, तो ग्रहण समाप्त होने के बाद गंगा जल आपके घर में होगा तो उसका छिड़काव अपने ऊपर कर लीजिए और अपने घर में छीड़ दीजिए और सो जाइए। अब सुबह क्या करना है कि घर की साफ़ सफाई करनी है और अपने मंदिर को साफ करना है, भगवान जी की मूर्ति को साफ करना है, गंगा जल का छिड़काव करना है और आपको स्नान करना है, और स्नान करने के बाद आप गंगा जल का छिड़काव कर सकती हैं या फिर पानी में डाल सकती हैं गंगा जल, तो भी आपका पूरा पानी पवित्र हो जाता है और उससे स्नान कीजिए। इसके बाद क्या करें कि पूजा पाठ करें, मंदिर जाएं, दान करें, क्योंकि ग्रहण के बाद दान का बहुत महत्व होता है। कपड़ा दान करें, अनाज दान करें, धन जो भी आपको लगे आप दान करें, किसी गरीब व्यक्ति को कर सकते हैं, आप किसी जानवर को कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे, लेकिन दान जरूर कीजिए, बहुत ज़्यादा महत्व होता है दान का। और कुछ लोग तो हवन वगैरह भी करवाते हैं, तो वो सब नहीं करवा सकते हैं, लेकिन दान तो सभी कर सकते हैं ना, तो दान जरूर कीजिएगा, इसका बहुत ज़्यादा आपको अच्छा फल मिलता है, साथ ही साथ पुण्य भी मिलता है और ग्रहण का प्रभाव भी खत्म होता है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, बाकी कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, नमस्ते।